चुने के कारण आज पूरा संविधान कहीं ना कहीं सम्मान की तरह चमक रहा है। एक तरफ राजनीतिक दलों ने वोट के लिए और सत्ताएं प्राप्त करने के लिए संविधान की आत्मा को कुचलने में भी कसर नहीं छोड़ी। 370 धारा उसी का अंग थी। जब संविधान एक था तो स्वाभाविक है एक जैसा ही सद्गुण होना चाहिए था। 1975 में संविधान की आत्मा को भी कांग्रेस की सरकारों ने कुचल दिया। रूस को भी बंधक बनाया, न्याय को भी बंधक बनाने की कोशिश की, यानी कि संविधान के जो कर्तव्य थे, जो अधिकार थे, उनको कुचलने का काम किया। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं संविधान की हत्या करने पर उतारू थी। और एक तरफ हाँ, एक और मैं कहना चाहूंगा कि संविधान निर्माता ने इतना बड़ा जिंदगी का जीवन शोषित पीड़ित वर्ग के संघर्ष के लिए, समानता के लिए किया, संविधान के लिए था, लेकिन ऐसे महापुरुष की 57 साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने उनका एक भी स्मारक नहीं बनाया। उनको ना पंच तीर्थ नाम दिया, ना सम्मान दिया, बल्कि उनको 52 का 54 का चुनाव हराने का पाप भी किया। वो चाहते तो अंबेडकर जी को चुनाव कहीं से भी निर्विरोध चुनाव जिताकर भेज सकते थे। अति तो तब हो गई जब बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस की सत्ताओं में भारत रत्न का सम्मान भी नहीं मिला। सेंट्रल हॉल में उनका तेल चित्र भी नहीं लगाया गया। हर व्यक्ति के लिए जैसे उनका मंत्र है सबका साथ सबका विकास, इसी भावना में कहीं ना कहीं संविधान है। मैं उनका आभार व्यक्त इसलिए भी करना चाहता हूं कि संविधान में ये लिखा है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता। नरेंद्र मोदी जी ने अपने 7 वर्षों में 12 मंत्री बन के अवसर की समानता भी दी है, राज्यपाल भी नियुक्त किए हैं। और इसी प्रकार से गरीबों की योजना बनाकर संविधान के आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए, आर्थिक समानता भी होना चाहिए। उन योजनाओं के माध्यम से उन्होंने वो भी देने का काम किया है।